क्या है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज का वीडियो ना एक बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, बिकॉज मैं एक कंप्लीट फ्रेग्रेंस लाइन का आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ऑन उस्तरा का कलोन। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक, मेरे फेवरेट 1 तक। मैं ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी के ऊपर हम बात करेंगे, इसे कब लगा के जाना चाहिए। बिकॉज भाई साहब, मैंने पहले भी कहा हर फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए नहीं होता है। अगर आप सही फ्रेग्रेंस सही ओकेजन लगा के जाएंगे ना, तो और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इनकी जितनी भी प्राइसिंग है वो 700 रुपये के अंडर है, तो इनके जो ओरिजिनल लिंक है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले ये हम 2 चीज़ तो अभी ही इस्टेब्लिश कर लें। आज का वीडियो दोस्तों को स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिले कि मैं उस तरह के ऊपर वीडियो बनाऊँ। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मेरे खुद के पैसों का है और ये बना रहा हूँ मैं बिकॉज आप लोग ने DM करके रिक्वेस्ट किया है। 300 से ज़्यादा फ्रेग्रेंस रिव्यू करने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आए हुए हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके मैं 15 वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें से एक है ये। तो अगर किसी को इतना सा भी डाउट हो रहा है ना कि ये पेड प्रमोशन है, तो मुझे मैसेज कर देना, अपना बिल भेज दूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो कलोन है वो है उस्तरा का आफ्टर डार्क। जैसा नाम है दोस्तों वैसा इसका फ्रेग्रेंस भी है। अगर आप इसकी पहले इंस्टेंट में इसकी फ्रेग्रेंस को लेंगे ना, तो सीरियसली यार अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ लेदर, वुड, हाइम, साइप्रस, ग्रेपफ्रूट, ये ऐसे नोट्स एकदम स्ट्रांगली लगते हैं। अगर आपको हो जैसे लेदर की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगती है, वुड की फ्रेग्रेंस पसंद है, सैफ्रॉन की फ्रेग्रेंस पसंद है, तो भाई आपको ना ये वाला पसंद आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो इजीली लास्ट कर जाता है 2.5 घंटे के लिए, और पहले के 2.5 घंटे में तो भाई इसके टॉप नोट्स बहुत स्ट्रांगली आपको आते हैं। नोट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं, इसके अंदर साइप्रस है, हाइम है, ग्रेपफ्रूट है, सैफ्रन है। इसके मिडिल नोट में आपको रॉक्रॉस मिल रहा है, एलएमई मिल रहा है, वुड मिल रहा है एंड एगरवुड मिल रहा है। इसके बेस नोट पे आपको मिलेगा एगरवुड, वेटेवर, एम्बर, लेदर एंड मस्क। पहली बार जो इसकी फ्रेग्रेंस लेगा ना, तो भाई ऐसी वाइब आती है ना, जो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन लौंडे होते हैं ना उनके लिए भाई बहुत सही, मत टू मच एकदम स्ट्रिक्ट, उस टाइप की थोड़ी इसकी फ्रेग्रेंस वाइब आती है। एंड उस टाइप के बंदे में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सो सेइंग दैट, इफ़ यू आर गोइंग एट मीटिंग्स, आपको एक क्लोज जो मीटिंग में जा रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में जा रहे हो, जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला, बिकॉज आपको स्ट्रॉन्ग वो वाइब देनी है, गो फॉर दिस। ये कैजुअल फ्रेग्रेंस नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट अ कैजुअल फ्रेग्रेंस, दिस इज समथिंग जो भाई बताता है कि भाई ये डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग वाइब मिलती है इस फ्रेग्रेंस से। तो अगर आप कोई हो जिसे ऐसे टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है, बोल्ड फ्रेग्रेंसेस, गो फॉर। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी एज क्या है, आप करंटली कौन सा फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं, टॉयलेट यूज कर रहे हैं, कोलोन यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं। नंबर 4 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है उस्तरा का बेस कैंप। पैकेजिंग के हिसाब से एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि उस्तरा के जितने भी क्लोन है ना, उनकी पैकेजिंग बहुत स्टैंडर्ड है, ट्रांसपेरेंट बॉटल रखा हुआ है, सो जरा फ्रेग्रेंस वाले देख पाऊँ। 1-2 है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन की है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करने के हिसाब से सोच रहे हैं, तो पैकेजिंग इतनी दमदार नहीं है, पर अगर आप किसी को गिफ्ट करना ही है, तो उस्तरा का जो मॉल्ट आता है, मॉल्ट फ्रेग्रेंस का था, उसकी पैकेजिंग बेहतरीन है। मेरे बेस्ट फ्रेग्रेंसेस अंडर 2000 रुपीज का जो वीडियो था, चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके अंदर ऐसे 3 नोट है जो काफी एविडेंट है जब आप इसको पहली बार इसकी अरोमा लेंगे, वो है लेमन, पेपर एंड रोजमेरी। पर अगर मैं वाइब के हिसाब से बात करूँ ना, मॉनसून टाइप की आपको वाइब आएगी। जब कहते हैं बारिश हो जाती है, बारिश खत्म होने के बाद वो कैसी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वैसी बेस कैंप की फ्रेग्रेंस है, एकदम पहाड़ों वाली फ्रेग्रेंस आती है इसमें से। हल्की सी जब बारिश निकल रही होती है तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है वैसी। जिसको नोट्स के बारे में जानना है सिर्फ उसके लिए है। इसके टॉप नोट में आपको बेगमॉट, लेमन एंड लाइम मिल रहा है। इसके हार्ट नोट में मिलेगा आपको पेपर, टाइगर टी, साइप्रस एंड रोजमेरी। एंड बेस नोट पे सिडार, एम्बर एंड रिच मस्क। ये कौन से ओकेजन के लिए परफेक्ट है दोस्तों? ये डेली वेयर के हिसाब से परफेक्ट है। एंड ये जो मॉनसून का वाइब चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो भाई ये क्लोन आपको परफेक्ट बैठेगा। अगर आपको ये भाई जिसको डेली वेयर के हिसाब से कोई फ्रेग्रेंस चाहिए कि भाई निकल गए कहीं घूमने फिरने के लिए, दोस्तों यारों को मिलने जा रहे हो, किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हो, या आप ऐसे रेगुलरली बेसिस अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हो, सॉर्टेड है। प्राइसिंग के हिसाब से ये 600 रुपीज का अप्रोक्स है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है उस्तरा का टैटू। टैटू की जब पहली बार फ्रेग्रेंस लोगे ना दोस्तों, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आपको मिलेगा, ऑरेंज का, मस्क मेलन का, मैंडरिन का। ये 3 नोट ऐसे है ना जो एकदम टॉप पे हैं इसके। ये मैं किसके लिए सजेस्ट करूंगा? मैं सजेस्ट करूंगा भाई साहब, अगर आप किसी को मिलने जा रहे हो 1-on-1, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हो, पहली बार किसी को डेट पे लेके जा रहे हो, किसी और की गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके, ऐसा मत करना ऐसा मत करना। सीधी भाषा में, इफ यू आर इन अ स्मॉल सिटिंग एंड यू आर गोइंग आउट, यू आर, दिस इज योर फर्स्ट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन और एन प्लेस व्हिच इज वेरी क्लासी, कोई बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट या किसी कोई महंगे होटल लेके जा रहे हो किसी के साथ, ऐसा फ्रेग्रेंस लगा के जाओगे ना तो अच्छा लगेगा, बिकॉज इसके अंदर वो वैसी वाइब है। इसके टॉप नोट में है मैंडरिन, बिटर ऑरेंज, रूबाब एंड क्विन। मिडिल नोट में आपको मिलेगा एलमंड, पेपर, जिंजर एंड वेटिवर। जिंजर इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं आता इसके अंदर में से, इवन वेन जब इसकी डाउन टाइम पीरियड आती है उसके बाद भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं आएगा जिंजर का।
विच इज गुड। बॉटम नोट पे आपको मिलेगा पाचोली, सिडार, मस्क, एम्बर एंड सैंडलवुड। इसकी फ्रेग्रेंस कितने लंबे चलेगी दोस्तों, अगर आप इनक्लोज एरिया में है तो 2.5 घंटे तक इसकी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी चलेगी। जैसे दिखने में टैटू और आफ्टर डार्क ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं पैकेजिंग वाइज बिसाइड द गोल्डन नॉब, बट टैटू थोड़ा बेटर है। आई लाइक द स्नेक डिजाइन जो बेसिकली इन्होंने बनाया है। नंबर सेकंड पे जो फ्रेग्रेंस है वो है उस तरह का एम्यूनेशन। सच कहूंगा यार, ये फ्रेग्रेंस ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक लिटरली आई लाइक इट। एंड सीज़रू बॉटल में तो थोड़ा उठ के आता है, लाइक थोड़ा प्रीमियम दिखता है। व्हेन यू कंपेयर दिस कोलोन विद ऑल द कोलोन दैट इज देयर इन दिस लिस्ट, ये काफी प्रीमियम दिखता है। आई लाइक दिस वन थोड़ा ज्यादा व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल लुक ऑफ इट। एम्यूनेशन की फ्रेग्रेंस के हिसाब से बात करूँ ना तो प्लम्प, सिदार, रिच मस्क, ये एक ऐसे सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस है ना जो बहुत अच्छे से इसके अंदर आते हैं, मतलब झलक के आते हैं। जब आप पहली बार से खुशबू लोगे ना तो एकदम प्यारी सी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी इसमें। एंड लेट मी टेल यू कि इतना स्वीट फ्रेग्रेंस भी नहीं है प्लम्प एंड रिच मस्क होने के बाद भी। एम्यूनेशन में किसके लिए सजेस्ट करूंगा भाई, वो कोई भी लड़का, कॉलेज गोइंग या वर्किंग प्रोफेशनल जिसकी डेटिंग लाइफ काफ़ी एक्टिव है ना, उसके लिए एम्यूनेशन अच्छा है। बिकॉज अगर आप डेट नाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, योर प्ले नाइट्स, दिस इज गुड। मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स को ना ऐसे फ्रेग्रेंसेस काफ़ी पसंद आते हैं, एंड स्पेशली जब तुम डेट नाइट पर हो, यू नीड योर ए गेम, राइट? हर तरीके से तुम्हारा ए गेम ऑन होना चाहिए। अब इसकी नोट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट पे है प्लम, वॉयलेट एंड पापरिका। बेस नोट में है इसके क्लैरी सेज, वेटेवर, वॉयलेट एंड सैंडल। एंड बॉटम नोट में सिडार, एम्बर एंड रिच मस्क। ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है तो देखो दोस्तों, अगर मैं बेडरूम के हिसाब से बताऊं, डेट नाइट के हिसाब से, तो भाई ये आराम से 3.5 घंटे आपके बॉडी पे रहता है इन अ इनक्लोज्ड रूम। पर अगर कहीं हम बाहर जा रहे हैं डिनर विनर पे रेस्टोरेंट में, तो भाई ये ले दे के अराउंड 2.5 घंटा चलेगा। प्राइसिंग के हिसाब से ये भी 600 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा। उसका जो लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिफोर वी गो टू नंबर वन दोस्तों, मुझे पता चला है कि 97% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो देखते हैं, और देखने के बाद लाइक भी नहीं करते, तो क्यों मेरे भाई? भाई साहब, इतना खर्चा करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारी मेहनत के लिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब तो पक्का बनता है। एंड नंबर वन पे जो क्लोन है वो है उस तरह का स्कूबा। दोस्तों कमाल का फ्रेग्रेंस है यार, लाइक दिस इज वन ऑफ द ऑल राउंडर फ्रेग्रेंसेस आउट देयर। अगर आप कोई हो ना जिसको वो स्वीट एक्वा टाइप का फ्रेग्रेंस पसंद है, तो दोस्तों आपको ये क्लोन पसंद आएगा भाई। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत कमाल की, लाइक लेट मी टेल यू दिस, अगर आप कोई हो जिसको वो डीप सी, वो रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस पसंद है ना, स्ट्रॉन्ग एक्वा स्वीट फ्रेग्रेंस, यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। मानसून की वाइब से भी एकदम परफेक्ट है, और एकदम अच्छी सौंधी खुशबू आती है, फ्रेश कहते हैं ना, फ्रेश फ्रेग्रेंस वो है ये। ऑल डे के लिए, मतलब मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, इसको भाई मैंने अपने बैग में डाल लिया, मैं निकल गया, और अपने कोई भी इवेंट फंक्शन के लिए आई कैन यूज दिस। ये इन अ वे ऑल इन वन टाइप का फ्रेग्रेंस है, काफ़ी प्यारी, आप कह सकते हो कि पहाड़ों टाइप की भी एक फ्रेग्रेंस आपको इसमें से मिलेगी, उतनी नहीं जितनी आपको बेस कैंप में से मिल रही थी ऑब्वियसली, बट एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस आपको आएगी इसके अंदर से, विच इज वेरी रिफ्रेशिंग। इसके पहले स्प्रे में से ना आपको ब्रेगामोट, लैवेंडर, पाइनएप्पल, एप्पल, सैंडलवुड, ये ऐसे कुछ फ्रेग्रेंसेस है जो एकदम स्ट्रांगली हिट होते हैं, जो बहुत अच्छी सौंधी खुशबू देता है भाई साहब। इसके फ्रेग्रेंस आर इन अ वे थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं मुझे, जो डेविड ऑफ की सीरीज है ना, नाइट ड्राइव, उससे थोड़ा सा सिमिलर लगता है मुझे, उतना नहीं मतलब, तो थोड़ा बहुत, बट यार 700 रुपये के अंदर अगर हम लोग को ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता है तो दिस इज़ वेरी गुड। इस फिल्म की जो पर्सनालिटी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी, तो अगर आप कोई हो हु इज़ ऑलवेज ऑन द गो, यू आर अटेंडिंग मीटिंग, फंक्शन, गोइंग ऑन डेट नाइट्स, हैविंग फन इन योर लाइफ, ट्राई दिस। एंड मॉनसून पीरियड में तो सही है भाई, बिकॉज ह्यूमिडिटी भी ऐसी चल रही ना अभी, मैं मुंबई में हूँ फिलहाल राइट नाउ, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये वाला फ्रेग्रेंस प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आई वुड रिकमेंड दिस फॉर यू। यू कैन गो आउट ऑन योर मीटिंग्स, गोइंग ऑन योर डेट, फैमिली के साथ घूमने फिरने जा रहे हो या गर्लफ्रेंड के साथ, सॉर्टेड है। अगर आप कोई बाइकर हो और आपके पीछे आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी कोई दोस्त बैठी हुई है, तो भाई नेक के पीछे वाले स्प्रे पे ना वो ब्रेक मारोगे जब, तो उसको पता चलेगा आपने कुछ अच्छा लगाया, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार ब्रेक दबाते रहना, ठीक है, रास्ता है, गार्डन नहीं, चलते रहो। बट येस, दिस परफ्यूम इज़ वेरी एनर्जेटिक, दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन, मुझे तो भाई ये बहुत पसंद आया है। इसकी मैं नोट्स के हिसाब से आपको बात कर लेता हूँ। टॉप नोट में ब्रेगामॉट है, लेवेंडर, पाइनएप्पल है। इसके मिडिल नोट में है कुमारियन, जिरानियम, ओक मॉस एंड एप्पल। एंड इसके बेस नोट पे है टोंका, पैमरोसा एंड सैंडलवुड। ऑल इन ऑल दोस्तों, मुझे तो ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन पाँचों में से इस अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप कोई भी फ्रेग्रेंस उठा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, पांचों के पांचों डिसेंट। ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों, तो देखो भाई मुंबई की ह्यूमिडिटी के हिसाब से करंटली ये बाहर 2.5 घंटा चलेगा, पर अगर आप उसको डेट नाइट्स के हिसाब से, बेडरूम से, इसके हिसाब से सोच रहे हो, तो 3 घंटे के ऊपर चल जाता है। पर याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस सिर्फ पहले 1 से 2 घंटे में रहेगा, उसके बाद धीरे 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 वो गिरते जाता है। प्राइसिंग की बात करो दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ेगा 550 रुपये का,
इसका जो फ्लैश सेल का लिंक है नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आया तो ले सकते हैं। बिसाइड्स रिव्यू, अगर मुझे पूछो कि मैं कौन सा हमेशा लगाना पसंद करूंगा, तो भाई एनी डे स्कूबा है, एम्यूनेशन है एंड बेस कैम, ये तीन ना मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठते हैं एंड ये मेरे तो भाई टॉप चॉइस है। इन सारे फ्रीक्वेंसीज का लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज डू गो चेक इट आउट। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा है ना तो ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई और भी प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, वरना ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिए, मैं वो टॉपिक के ऊपर वीडियो पक्का बनाऊंगा। बट याद रखिए मेरे को थोड़ा टाइम जाएगा, बिकॉज यार ये सब करने में भी बहुत वक्त जाता है, मैं अकेला हूँ, रिप्लाई करने को बहुत टाइम जाता है। एंड जितने भी अपने अपने फ्रेग्रेंस रिक्वेस्ट मुझे भेजे हैं फ्रॉम ब्लैक मस विस्की, जितने भी आए हैं मैं सारे बनाने वाला हूँ, सितंबर में ही सारे फ्रेग्रेंस वीडियोस बनाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड, हिट द बेल आइकन, जैसे वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कि अरे ये वीडियो तो आपने रिक्वेस्ट की थी। यही है भाई, सितंबर में ही चाहिए तो 30 का 30 वीडियो बनाऊंगा एवरीडे। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों को ऐसे कुछ और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई साहब टेक केयर। अब तक मैं काम कर रहा हूँ, ला के निकलता हूँ, 5 बज गए, वो डेट पे भी जाने पाला, कोई इंतजार कर रहा है, बाय।